ओ टुमारो वी हैव टू गो टू कश्मीर। हैप्पी बर्थडे। सरप्राइज प्लान करते हैं निपुल के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स अ वेरी डिफरेंट वीडियो। मेरे पति का बर्थडे आ रहा है तो मैंने सोचा चलो कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। ही हैज नो आइडिया। मैं खुले में चौड़ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो घर पे नहीं है, उसका ऑफिस चालू हो गया है। सो ही इज एट वर्क एंड आई एम एट होम। सो आई थॉट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू स्टार्ट दिस ब्लॉग एंड शो यू व्हाट्स ऑल हैपनिंग। सो टुडे इज 8th ऑफ सितंबर। हम लोगों ने पहले सोचा था निपुन के मामा पापा दीदी जीजू के साथ हम लोग आईटीसी बुखारा जाके लंच करेंगे एंड ऑल दैट। तो निपुन को बड़ा मन है आईटीसी बुखारा की ना दाल मखनी खाने को। तो मैंने चुपके से दीदी को साइड पे ये बोल दिया है कि जब निपुन आपसे प्लान के बारे में बात करे तो आप बोल देना कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ सैटरडे को। निपुन थोड़ा सा ना सैड सा हो गया कि यार। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अपना प्लान कर लेंगे। तो सैटरडे को मैंने निपुन को बोला कि लेट मी हैंडल इट, मैं थोड़ा यू नो कहीं इधर उधर आसपास हम लंच पे चलेंगे डिनर पे चलेंगे। व्हिच बाय द वे समथिंग दैट निपुन जस्ट डजंट वांट टू डू। ही लाइक्स टू डू यू नो सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, कहीं बोलिंग पे चले गए या कुछ ऐसा कर लिया। हाँ, प्लान ये है कि मैं सोच रही हूँ कि जैसे हमने लास्ट ईयर मम्मा पापा के एनिवर्सरी पे ना हम लोगों ने एक फैमिली पिकनिक सा करा था लोधी गार्डन में, तो मैं सोच उसी तरीके से एक सरप्राइज प्लान करते हैं निपुन के लिए। हेलो, हाँ जी मम्मा। मैंने कहा एक बार आपसे प्लान पूछ लूं। मैं पूरी छोले बना लूंगी, बैठ बैठ के चक्कर वक्कर वो आप सब सब आपको लाना पड़ेगा। इट्स द नेक्स्ट डे और थोड़ा बहुत प्लान में थोड़े बहुत और इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। ये डिसाइड हो गया खाने में क्या आ रहा है। हाँ, अरे तो मम्मी निपुन के लिए सरप्राइज है, निपुन को नहीं बताना। अच्छा अच्छा। और मम्मी पापा को भी बोलना निपुन को नहीं बताएंगे, मतलब निपुन के लिए सरप्राइज है। तो निपुन को आप बोलना हम तो बिजी हैं या फिर हम नहीं जाना चाहते। फेब्रुअरी 11th कल है निपुन का बर्थडे और अभी तक मतलब मैं थोड़ा सा गौज कर रही हूँ कि भाई प्लान क्या है। कल के लिए मैंने प्रॉपर केक ऑर्डर करा है जो कि बहुत सही है, मैं बस फाइनलाइज ही कर रही थी। ये केक है जो मैंने ऑर्डर निपुन के लिए प्लेस करा है। हाँ, मतलब मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये मम्मा के घर के पास है इस दिल्ली में, तो फिर मम्मा ही लेकर आएंगी। ठीक है, पाव भाजी ले आओ। सो दिस इज आवर प्री बर्थडे सेलिब्रेशन विद सम कोक एंड रम। Happy birthday to you. Happy birthday to Modu. निकाले काले यार, काले काले। It's okay, it's okay. टुडे इज दी डे, आज है निपुन का बर्थडे और निपुन आज गिफ्ट में लेने वाला है मुझसे एक कोविड टेस्ट। बर्थडे बॉय जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, पूरा मेरा प्लान चौपट करने के पूरे इंटेंशंस लग रही है। ये है हालत मिस्टर निपुन सचदेवा की। मेरी सुबह 6:30 बजे नींद खुली तो कहता है मैं तो 4:30 से उठा हुआ, वह उल्टी कर ली, पेट खराब है, ये है। तो शकल शकल क्या छुपा रहे हो अभी। हैप्पी बर्थडे। नाउ ही इज एक्चुअली गॉट 102 फीवर व्हिच इज अ लॉट, लाइक बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है अभी। सो आई एम गोना डू अ कोविड टेस्ट राइट नाउ। चलो कोविड टेस्ट करें, तुम आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। खुद कर लो यार। 1 2 3 4 6 7 8 Happy birthday. प्रेगनेंसी टेस्ट लग रहा है ये। हैप्पी बर्थडे। तो सैड थिंग इज दैट इसका ऑफिस चालू हो गया था और ये 1-1.5 हफ्ते से ऑफिस जा रहा है एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट कोविड बिकॉज वी वांट लाइक रोमिंग अराउंड। हैप्पी कोविड बर्थडे। हैप्पी कोविड बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कोविड। Now can I tell you something about the plan that I had thought for today? Chopped हो गया तुमने? अभी देखा तुमने किसी को plan कुछ cake order करा था cancel करा तुमने अभी? हाँ, phone आए जा रहे हैं, stress करे जा रहे हैं सब। बताऊँ क्या plan था? अंदर nursery जाना था ना, तो वहाँ पे सारे घर वाले आके तुम्हें surprise करने वाले थे। गुड़गांव आ रहे थे? नहीं, सुंदर नर्सरी गुड़गांव में नहीं है बेबी, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, साउथ दिल्ली साइड है। आकाशी रह सकते सब, तुम्हारे मम्मा पापा दीदी जीजू उनकी मदर इन लॉ, मेरे मम्मा पापा छवि मम्मी जी, और हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करी हुई थी। सबके घर पे पाव भाजी और छोले पूड़ी और सब कुछ बल्क में बना हुआ है, पकौड़े। एंड वी हैड थॉट दैट वील सरप्राइज यू, दैट इज वाई दीदी टोल्ड यू दैट नहीं हम सैटरडे को बिजी हैं, हम नहीं मिल सकते। एंड हु इज द पार्टी पूपर? बर्थडे ब्रेकफास्ट।
हम यही करने वाले हैं दो तीन दिन, सिर्फ Netflix, खाना भी देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स। एटलीस्ट वी आर थैंकफुल दैट ये नहीं हुआ कि हम लोग घर वालों से मिल लिए और उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि कोविड है, एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। तो जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ऑल्सो हमने गुलमर्ग का प्लान करा हुआ था नेक्स्ट वीक का, तो वो प्रॉब्ली हम कैंसिल ही करेंगे। लाइक वी आर गोइंग टू श्रीनगर, पहलगाम, सब कुछ मतलब प्लान था, आइटनरी वगैरह, बट ठीक है कोई बात नहीं। 101.4 ये कम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन 102.4 था पहले। करनी है बॉडी को गर्म, नहीं करनी है इसी पट्टी लगानी है ना ठंडा पानी में डॉक्टर। हे वॉल, थोड़ा सा केक काट रहे हैं थोड़ा फैमिली के साथ। हाउ आर यू फीलिंग? लिटिल बेटर, लिटिल बेटर, मतलब स्टिल नॉट दैट ग्रेट। ऑर्डर्ड अ चीज केक। अरे यार ये फेक वाली, ये मैजिक वाली के साइड में। दिस इज फ्रॉम दीदी। Good morning. This birthday vlog is now turned into a COVID vlog. Just tracking the progress of what's happening. COVID में क्या होता है कि stressful क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये तो कल बहुत calls आ रहे थे। I mean, I really, really, really appreciate everybody checking in. एक तो अपने ना birthday भी था, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि निपुन को COVID हो गया और birthday के लिए call कर रहे थे, and then निपुन had to like kind of repeat the same story to everybody. So that was like a little frustrating to be honest. But apart from that, I think the only frustrating thing which happens in COVID is that because you don't have any house help, so वो सारा काम भी साथ में आपको करना पड़ता है। अभी तो चलो आज संडे है तो आई कैन स्टिल डू इट, बट जब ऑफिस चालू हो जाएगा कल से मेरा, आज से मेरा काम है ऑफिस का, मेरी रिलीज है। Also by the way, our RT-PCR report is here. Nipun is positive, I am negative. मेरे पास नेक में और बैक में बहुत ज्यादा पेन है, कुड बी प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द एक्सर्जन ऑफिस के लिए। यार राइट नाउ आई एम गोना टारगेट द बर्तन जो मेरे पीछे भरे पड़े हैं, थोड़ा बहुत मैं साथ साथ कर रही थी, किचन में भी काफी गंदा है। अभी मैंने किचन स्लैब साफ किया था और गंदा भी कर दिया। नंबर 5 और मेरी आवाज से पता चल रहा है कि थोड़ा सा कम स्ट्रेस्ड हूं मैं आज। ऑलमोस्ट क्रॉस्ड, निपुन इज फीलिंग मच मच बेटर। हाउ आर यू फीलिंग? हेलो, हाउ आर यू फीलिंग? बेटर नाउ। आई थिंक तुम्हें थोड़ा फटीग था, काफी फटीग था, काफी पर भी है पीठ में दर्द है थोड़ा, मेरे को भी एक्चुअली। फीवर हैज रिसीडेड, आई थिंक ही इज back to normal 98 वाला। ऑक्सीजन लेवल भी हम लोग चेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली हिज वर्क हैज आल्सो स्टार्टेड, ही इज आल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, आई एम आल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। अभी निपुन के लिए आया है एक गिफ्ट, दीदी ने भेजा है, सो लेट्स ओपन इट। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? हां, ओ वाओ वाओ, बैक इन द किचन। थोड़ा बहुत काम करते हैं फटाफट, 9:45 हो चुके हैं, ऑफिस का काम स्टार्ट करना है। फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ, गर्म पानी, थोड़े से अंडे बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद नहाएंगे और फिर काम स्टार्ट करेंगे। Day number 6. मैंने ओट्स बनाए क्योंकि ना सुबह का खाना बिल्कुल टाइम नहीं होता है नाश्ता वाश्ता बनाने का, और ऐसा लग रहा है कि मतलब जब से ये कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुई है ना, कोई फुलफिलिंग मील नहीं मिल रही। जैसे घर पे दीदी खाना बनाती थी तो ऐसा लगता था कि अच्छा खासा खाना है, अभी क्या है कि एक तो इतना महंगा है सब कुछ। जोमेटो पे हम ऑर्डर करते हैं, 500-600 रुपये हमारे ऐसे ही लग जाते हैं। थाली वगैरह हम ऑर्डर करते हैं उसमें इतनी इतनी क्वान्टिटी होती है, तो कुछ ऐसा फुलफिलिंग मील नहीं लग रही है। रात को मैंने सोचा मैं खाना बनाऊंगी, बट फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, फिर मेरी हिम्मत नहीं थी। अभी मैंने सोचा कि मैं इंस्टेंट ओट्स बना लेती हूँ। यार दो पैकेट मैंने मंगवाए हुए थे एंड बन गए थे, मैं बंद करके ढक के चली गई थी एंड उसके बाद गर्म पानी
पानी पी रही थी और अभी किचन में आई हूँ तो आई रियलाइज कि मैंने गैस नहीं बंद करी है. दिस इज सो टफ. और डैम ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. और इसको पहले तो थोड़ा बहुत ही बचा था, मतलब इतना बन गया था तो मेरा और निपुन का आराम से ब्रेकफास्ट हो जाता, बट अब वो इतना रह गया तो अब निपुन को मैंने दिया है कि तुम खाओ, मैं कुछ और एग वेग खा लूँगी, अभी ब्रेड मंगवाती हूँ. Hey everybody, it's obviously the next day. काफ़ी शाम का टाइम हो गया, मैं अभी अभी बस नहा कर आई हूँ. मेरी आज छुट्टी थी, 7:30 आ रहे हो, आई थॉट 8:30 हो गए हैं. मेरे पीछे बहुत सारा गंद है, मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं ओवर दीज 2-3 डेज. और आज क्योंकि मेरी फाइनली छुट्टी थी, मैंने थोड़ा बहुत खाना भी बनाया आज. हमने काफ़ी दिनों बाद लाइक होम कुक मील खाई है. मैक्स टू मैक्स मैं दाल बना लेती थी या फिर खिचड़ी बना लेती थी, बट वो होता है ना एक होम कुक्ड होलसम मील की सैलड भी साथ में हो और टाइमली मिल जाए सब कुछ गरम गरम, वो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी इस वक्त. क्योंकि मेरी 3 दिन छुट्टी है, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे, सो I will make sure that I will cook. आज हमने बड़े दिनों बाद मैंने पनीर की भुर्जी बनाई, दाल बनाई और हमने रोटी भी बाहर से ऑर्डर करी, तंदू वो तवा वाली रोटी, बट फिर भी लाइक इट वॉज सच अ गुड फीलिंग टू फाइनली ईट यू नो होम कुक मील. उन इज फीलिंग बेटर, उसका थोड़ा फटीक अब हट रहा है धीरे धीरे, और कोल्ड और कफ उसको अभी भी है. बट एनी हू लाइक माई ऑफिस इज ऑल्सो गोइंग रियली रियली क्रेजी एंड दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू लाइक यू नो डेडिकेटेडली पुट माई 100% इन द किचन इज वेल. आई गॉट प्रमोटेड, आई गॉट टू नो अबाउट दैट लास्ट वीक, सो आई गॉट प्रमोटेड एट माई जॉब एंड ऑब्वियसली दैट इन्वॉल्व्स मोर वर्क एंड दैट्स वाई आई हैव बीन मोर बिजी इज वेल. But yeah, I think with that, I'm just gonna end the vlog right here. This vlog started with like birthday preparations, but ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, मतलब कि कोविड हो रहा है, ये क्या ही हुआ है. ये पूरा हफ्ता, मोर देन एक्चुअली पूरा हफ्ता बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और ऑब्वियसली नहीं सोचा था. इट डज टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो विद ऑल द थिंग्स यू नो सडनली हैपनिंग, नॉट द वे दैट यू वॉन्टेड टू बी, बट आई गेस दैट्स हाउ लाइफ इज एंड दैट्स हाउ यू गॉट अ do what you gotta do and you know just sail through. Thank you all for all the wishes that have been coming through in my DMs, Instagram pe, YouTube pe, aap log likh rahe ho, WhatsApp calls, matlab it really means a lot. Agar ye video pasand aaya ho, I don't even know what to say, but yeah, if you could relate to this video, if you could relate to the hustle and the struggle, then please give it a like, channel ko subscribe karna. I'm gonna see you all in my next video. Bye.